स्लिप डिस्क के एक्सरसाइज वीडियो में आपका स्वागत है। स्लिप डिस्क में जैसे ही हमारा दर्द कम हो जाए 2 से 3 दिनों में हमें एक्सरसाइज और वॉकिंग शुरू कर देना चाहिए। स्लिप डिस्क में बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइज से, यानी स्लिप डिस्क एक्यूट स्लिप डिस्क होने पर हमें सबसे पहले एक्सटेंशन एक्सरसाइज से शुरू करना चाहिए। तो शरीर का आगे की ओर जाना फ्लेक्शन होता है और शरीर का पीछे की ओर जाना एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन एक्सरसाइज एल्बो से शुरू करके और इसमें ब्रीदिंग का एलिमेंट और हाथ के बल पे इसको करके हम एक एक्सट्रीम एक्सटेंशन की पोजीशन धीरे धीरे करके मेंटेन करते हैं। इस एक्सट्रीम एक्सटेंशन की पोजीशन मेंटेन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो दर्द हमारे पैरों में था वो धीरे धीरे पैरों से ख़त्म होकर कमर पर आ जाता है या ख़त्म हो जाता है, और हमारी जो एक्यूट स्लिप डिस्क है वो दोबारा वापस अपनी जगह पे भी जा सकती है, यानी डिस्क को रिलोकेट करने में भी ये एक्सरसाइज मदद करती है। जब हमें पता चल जाए कि हमें एक्यूट स्लिप डिस्क है उसके बाद जो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे वो एक्सटेंशन एक्सरसाइज, और सबसे पहले एल्बो पे शुरू करेंगे। अपनी आर्म पर जोर लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना है और ऊपर उठ के उसको कुछ देर तक मेंटेन रखना है। सामान्य तौर पर हम ये 2-3 सेकंड तक उठी हुई पोजीशन में मेंटेन रखते हैं, उसके बाद फिर नीचे आते हैं और फिर उठाते हैं। ऐसा हम 15 बार, कम से कम हमें 15 बार करना चाहिए, यानी 2-3 सेकंड तक होल्ड करें और बार बार उठें। शुरुआती स्टेज की एक्यूट स्लिप डिस्क में हमें ये व्यायाम हर 2 घंटे में करना चाहिए। हर 2 घंटे में करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको स्लिप डिस्क रिलोकेट करने में जल्दी मदद मिल जाती है। और फिर जैसे जैसे हम इसके अभ्यस्त हो जाएं तो एल्बो से हट के हम इसमें 2 एलिमेंट और जोड़ सकते हैं। एक ब्रीदिंग का एलिमेंट। ब्रीदिंग के लिए आप जब ऊपर की एयर आएंगे तो सांस खींचेंगे, यानी कि इनहेल करेंगे, और जब ऊपर की पोजीशन से वापस नीचे जाएंगे तो सांस धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये ब्रीदिंग एलिमेंट ऐड करने की वजह से हमारी जो एक्सटेंशन है वो एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो फिर एक्सटेंशन की पोजीशन और बढ़ जाती है, क्योंकि पेट आपका अंदर की तरफ दबता है। इसके अलावा जब आप इसको कर लें और तो इसके बाद आप हाथ के बल पर ऊपर की ओर आएंगे, यानी दोनों हाथ करके और ऊपर की ओर जाएंगे। इससे और आपका एक्सटेंशन बढ़ता है। जब वो भी आप कर लें तो फिर दोनों हाथ को अपने पास में रखें, यानी एल्बो की तरफ, सॉरी शोल्डर की तरफ रखें, और शोल्डर की तरफ रखें, उस पर उठें, तो वो एक और एक्सट्रीम एक्सटेंशन की पोजीशन मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरह करके हम ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं, और जब हमारा दर्द, पैरों का दर्द ऊपर की तरफ आ जाए या पैरों का दर्द ख़त्म हो जाए पूरा, तो फिर ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम रोक सकते हैं। अगर हम अपनी इस एक्सटेंशन पोजीशन को और मजबूत करना चाहते हैं, यानी कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो फिर हर एक्सरसाइज के बाद हमें 10 मिनट के लिए एल्बो पे अपने लेटे रहना चाहिए। इससे हमारी एक्सटेंशन पोजीशन कंसोलिडेट होती है और जो डिस्क वापस सही पोजीशन में चली गई है उसको वहाँ पे मेंटेन रखने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसी स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज को करने के 2 और तरीके क्या हैं। उसके अलावा इस एक्सरसाइज को करने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लेकिन ये एक्यूट स्लिप डिस्क में ये हम जब एक्सरसाइज करें तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के 2 तरीके और क्या हैं। जैसा कि बताया गया है कि जब आपको एक्यूट स्लिप डिस्क हो तो शुरुआत में आपको ये एक्सरसाइज हर 2 घंटे में करना चाहिए, जिससे कि आपके डिस्क रिलोकेशन में आपको मदद मिलती है। अब
कई बार ये परेशानी आती है कि आप काम करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, तो कैसे आप हर 2 घंटे में एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए घर पे तो आप लेट के एक्सरसाइज करें, और ऑफिस में खड़े होकर एक्सरसाइज करने का एक तरीका बताया जाएगा कि जिससे कि आप ऑफिस में भी हर 2-3 घंटे में टाइम निकाल के और 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी जो स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज की का तरीका है, वो उन लोगों के लिए है जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, या जो पेट के बल नहीं लेट पा रहे हैं, तो वो सीधा लेट के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज में ये बताया जाएगा कि आप सीधा लेट के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये तरीके। ऑफिस में बीच में थोड़ा टाइम निकाल के दोनों हाथ पहले पीछे, यहाँ पर दोनों सैक्रोइलिक जॉइंट पर होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ करके रखें, और उसके बाद में खड़े होके इसको पीछे की तरफ ले जाएं, इतना ले जा पा रहे हैं, और उस पोजीशन को 3 से 4 सेकंड तक मेंटेन रखें, और उसके बाद फिर सीधा हो जाए, फिर उसके बाद पीछे की ओर जाए, थोड़ी देर मेंटेन रखें, फिर सीधे हो जाए। ये भी एक सिटिंग में 15 बार आपको दोहराना है। और ये तरीका स्पाइन एक्सटेंशन का उनके लिए है जो लोग पेट के बल नहीं लेट पा रहे हैं, कि वो सीधा लेट के कैसे करें। उसके लिए बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे और अपना हाथ कमर के नीचे अपने ला के देखिए, उसमें जगह नहीं है अगर, तो आपको ये करना है कि कमर को थोड़ा ऊपर की तरह लिफ्ट करना है। लेकिन लिफ्ट करते समय ये ध्यान रखें कि कमर नहीं उठनी चाहिए, यानी यह कूल्हे ये ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, कूल्हे लगे रहे, हल्का सा ऐसे उठाइए और रोक के रखिए। उसके बाद फिर इसको नीचे लाइए, फिर उठाइए, रोकिए, फिर नीचे लाइए। अभी जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आपके कमर और बेड के बीच में थोड़ा गैप बन जाएगा, आपका हाथ उसमें चला जाएगा। इस तरह से देख के आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये आप ऊपर उठा पा रहे हैं नहीं। ध्यान देने वाली यही बात है कि सिर्फ कूल्हा नहीं उठाना है, सिर्फ कमर को थोड़ा सा उठाना है। तो उठाइए, रोकिए, फिर नीचे लाइए, फिर उठाइए, ऐसे रोकिए, फिर नीचे लाइए। स्पाइन एक्सटेंशन व्यायाम करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते समय आपको पैरों में झंझनाहट या तेज़ दर्द बढ़ जाए, तो ये व्यायाम रोक देना चाहिए और विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। विशेषज्ञ अगर उसके बाद दोबारा अनुमति दें तो फिर से यह व्यायाम शुरू करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लार्ज स्लिप डिस्क की वजह से कैनाल स्टेनोसिस की कंडीशन हो जाती है, या फिर लार्ज स्लिप डिस्क पीछे की ओर बल्ज होके और फोरामिना में नर्व कंप्रेशन करने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने पर दर्द बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, या फिर और कोई सिचुएशन है, स्पाइन इनस्टेबिलिटी है, तो उसकी वजह से एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने पर दर्द आपका बढ़ सकता है। तो फिर अगर ऐसे में दर्द बढ़ जाए तो आप विशेषज्ञ से सलाह लेके उसके बाद ही फिर दोबारा ये एक्सरसाइज शुरू करें। दूसरी चीज़, अगर ये स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने पे पैरों में कमजोरी आ जाए, या लैट्रिन बाथरूम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर पैर बिल्कुल सुन्न हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी विशेषज्ञ से सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि ये रेड फ्लैग साइन है, और फिर विशेषज्ञ आपके कुछ टेस्ट कराए। Thank you.